अगर आपने ग्रीन गार्डन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं हुशैर रोज़ और वेलकम करता हूँ आपको ग्रीन गार्डन चैनल में। और उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में खूब अच्छे से बिज़ी भी होंगे और अपने और अपने प्लांट की खूब अच्छे से केयर भी कर रहे होंगे। एक साल पहले मैं 2 नींबू के ये प्लांट नर्सरी से लेके आया था, तो इन पर कोई भी पत्ता वगैरह और कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक लंबी सी स्टेम सी थी। 15 फरवरी के बाद जैसे ही बाहर के दिन शुरू हुए तो इनकी भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई और ऐसी स्टेज पर मैंने इनको मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया और इनको फुल सनलाइट में रख दिया जहाँ 4 से 5 घंटे की फुल सनलाइट आती हो। हर 15 दिन के बाद मैं मस्टर्ड केक का इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र देता था। मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र प्लांट की ग्रोथ को भी बूस्ट करता है और फ्लावरिंग को भी। इनके फ्लावरिंग का सीज़न स्टार्ट होने तक ये बुशी और हेल्दी प्लांट बन गए थे और जैसे ही मेरे दोनों नींबुओं के प्लांट पर बडिंग स्टार्ट हुई तो मैंने इनको बनाना पील का फर्टिलाइज़र देना शुरू कर दिया और रिज़ल्ट फिर आपके सामने है। मैंने अपने प्लांट पर पूरा साल मेहनत की और आखिरकार मुझे मेहनत का फल मिल ही गया। दोनों प्लांट पर काफ़ी फ्रूटिंग हो रही है और कुछ तो पक भी चुके हैं और कुछ अभी छोटे हैं और कच्चे हैं। चलिए मैं नींबुओं को हार्वेस्ट कर लेता हूँ जो येलो कलर के हो चुके हैं। जो भी ग्रीन कलर के हैं कच्चे हैं, उनको मैं अभी नहीं तोड़ूंगा। दोनों प्लांट्स को मैंने 12 इंच के मिट्टी के गमलों में लगाया हुआ है। इनके लिए वेल ड्रेनेज सॉइल यूज़ की है मैंने। जो नींबू पक चुके थे उनको मैंने हार्वेस्ट कर लिया। ये रहेगी हमारे फुल ऑर्गेनिक नींबू, इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया गया, ऑर्गेनिक मैटर से ग्रो किए हुए नींबू। मैंने अपने दोनों प्लांट की पूरा साल केयर करी है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसका फल मिल चुका है। आप भी अपने प्लांट की केयर करें और उन पर मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको भी फल मिलेगा उनका। अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब कर रही हो तो बेल भी दबा देना। अल्लाह हाफिज़।